जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ऐसी किसी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहेंगे जो इंडस्ट्री कल को खत्म हो जाए। जैसे आप में कई लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा वो हाथ से घुमाने वाले फोन एक टाइम पे आते थे, आज वो एग्जिस्ट नहीं करते। नोकिया जैसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जिन्होंने वक्त के बदलते हुए टेक्नोलॉजी रखी, ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखा, वो उन्होंने ही असल में ग्रो किया। अब आपने इंडस्ट्री चूज की जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, तो वो ग्रो क्यों कर रही है उसका कारण है। अगर आप समझें, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान पहुंचाने के 5-6 तरीके होते हैं। कुछ लोग किराने की दुकान में काम करते हैं तो वो रिटेल की मार्केट समझेंगे, कुछ मॉडर्न ट्रेड समझेंगे जैसे ये बिग बाजार है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कुछ ई कॉमर्स समझेंगे कि जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट है, आपने ऑर्डर किया आपको माल आ जाता है घर पे, कुछ डी टू सी समझेंगे कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं वो सप्लाई करते हैं, और एक डायरेक्ट सेलिंग है। यानी अगर देखें तो 6 तरीके की इंडस्ट्री है जो जिस तरीके से सामान मैन्युफैक्चरर से बनके कस्टमर तक जा सकता है। इन 6 इंडस्ट्री में हम घुस के, हम जुड़ के काम कर सकते हैं। अगर हम बहुत हैं तो हम रिटेल में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, मॉडर्न ट्रेड में जा सकते हैं, काफी जगह जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन सभी इंडस्ट्री में से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा तेज ग्रो कर रही है और जिसमें मैं पैसे कमा सकता हूं। आज क्या मैं बिग बाजार या मॉडर्न ट्रेड में जाके पैसा कमा सकता हूँ? क्या मैं अमेजोन से पैसा कमा सकता हूँ? क्या मैं 250-300 रिटेल की दुकानें खोल के पैसा कमा सकता हूँ? तो मुझे कमाने के लिए क्या चाहिए? अपना टाइम, थोड़ा सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूज करने का बेनिफिट, उसको समझाने का तरीका, और एक एजुकेशन जो प्रोडक्ट को समझा सके, प्लान को समझा सके, लोगों को साथ ला के टीम को समझा सके। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से असल में इंडस्ट्री की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ निश्चय हो जाती है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि दुनिया में सभी देश जो हैं, जो दो बड़े आप समझें कॉन्टिनेंट, वो हैं यूरोप और अमेरिका है। अब ये तो जो देश है यूरोप और अमेरिका, यहाँ पे काम करने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। आप थोड़ा हैरान होंगे ये सोच के कि काम करने वाले लोगों की पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। सो जनरली अगर आप ये समझें कि आप 15 साल से लेके 70 साल तक की एक उम्र समझी जाती है जिसमें आप जीते हैं और आप काम करते हैं, उसमें काम करने वाला जो सेक्शन है वो असल में 20 से 45 साल वाले होते हैं। आप जनरली 15 से कम को काउंट नहीं करेंगे कि वो कोई देश की अर्थव्यवस्था के लिए, अपने घर चलाने के लिए काम करेंगे, और 70 साल से ऊपर भी आप जनरली काउंट नहीं करते। जबकि ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, कई लोग इसमें बहुत ज्यादा काम करते हैं, कई लोग अपने अपने घर को चलाते हैं, पर जो काम करने वाली जो जनसंख्या है उसको इस एज में माना जाता है। वो प्रॉब्लम ग्लोबली क्या होना शुरू हो गया कि यूरोप में और अमेरिका में वो जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, इंडिया में वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। फायदा ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास काम नहीं है। अब सरकारें तो इतना सारा काम क्रिएट नहीं करके दे सकती कि वो हर एक को एक रोजगार गारंटी करे, वो गारंटी करे कि हाँ जी सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबके लिए फैक्ट्री लगेगी। तो यानी कि एक तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन चल रही है, ऊपर से काम करने वालों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब काम करने के ऑप्शन कम है। इसलिए अगर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना कितना फ्यूचर बना सकते हैं, तो ये समझिए कि सबसे लो कॉस्ट बिजनेस को शुरू करने का तरीका है ये डायरेक्ट सेलिंग। बाकी फिर आपके सपनों में कितनी हिम्मत है वो डिसाइड होता है। फिर जिसके जितने बड़े सपने हैं वो उतने बड़ा उसमें काम कर लेता है, उतनी ज्यादा मेहनत करता है। भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छी इंडस्ट्री के रूप में लाने के लिए काफी कुछ स्टेप्स उठाती है। जो सेंटर है उन्होंने अपना लॉ बनाया है जिसके अंदर हम सभी काम करते हैं, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है।
उसके बाद सभी जो राज्य हैं, वेस्ट बंगाल है, आंध्रा है, केरल है, वो अपने अपने लॉज बना रहे हैं ताकि आप और इफेक्टिवली वहां पे काम कर सकें। आसपास के जो देश हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे मलेशिया है, वो सब भी एक ऐसे एनवायरनमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप इंटरनेशनल भी काम कर सकते हैं। सोच सिर्फ आपकी है कि आप इस बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हैं। सरकार आपके साथ है, वो चाहते हैं कि ठीक चीज ठीक तरीके से लोगों को दी जाए। अब आपके ऊपर है कि आप कितना सीख के कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और कितनी जल्दी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं ज्यादा मोनोलॉग नहीं करना चाहूंगा कि मैं आपको कहूं कि मैं आपसे बात करता रहूं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, सुनील भाई, प्रतीक भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कुछ लोग जानना चाहें तो मैं चाहूंगा कि मैं उसे एड्रेस कर सकूं। नहीं सर, ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली। लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही होता था राहुल सर कि कैरियर, और आपने अभी जो दो बातें बताई उससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कैरियर बहुत ब्राइट है। और चूंकि पॉपुलेशन ही हमारी सबसे बड़ी पावर है, ताकत है, और हम उसी को जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यू शुड इन्फॉर्म टू ईच एंड एवरीबडी प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान और ये इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात जो आपने बात बोली वो थी इकोनॉमिकली, कि यदि हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो इससे अच्छी इंडस्ट्री नहीं हो सकती। सर, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों का थोड़ा सा सीखने का जो मन स्थिति है वो नहीं होती है, तो क्या वाकई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए? सुनील भाई, अगर इस इंडस्ट्री को समझें तो एक्चुअल में है क्या, हमने प्रोडक्ट पसंद आया, प्रोडक्ट खरीदा, पैसे दिए, डायरेक्ट सेलिंग शुरू। अब उस प्रोडक्ट खरीदने से सपनों को बिल्ड करने का जरिया जो है, जो पुल है, वो सिर्फ एजुकेशन ही तो है, और तो कोई तरीका नहीं है। वरना कोई लॉजिक तो साबित कर नहीं सकता ना कि आप एक 1,000, 5,000, 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के कैसे आप 10 लाख कमा सकते हैं। तो उसको समझने के लिए अगर 90% लोग वो नहीं समझते तो कोई गलत नहीं है। उसको समझ में आने के लिए तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि कुछ तो सीखने की जरूरत है, कुछ जानने की जरूरत है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत है।